Now we will discuss about the format of debit vouchers. So if you can see ki credit voucher or debit voucher almost ek jaise hain, bas yahan pe debit voucher mein ek left hand side mein ek column aa gaya hai, received rupees ka aur fx revenue stamp ka. So ye kya hota hai, hum dekhte hain, jaise agar hum kisi ko paisa, मतलब कोई अगर हमें पैसा पे करता है तो हम उसे एक रिसिप्ट बना के देते हैं कि हाँ हमको पैसा मिल गया है. तो अगर हम किसी को पैसा पे करते हैं तो हम भी तो उसको बोलते हैं कि हमको भी एक रिसिप्ट दो. तो वही डेबिट वाउचर में कॉलम बना के देता है जिसमें रिसिप्ट जितना भी प्राइस हो वो लिखा रहता है और एक स्टैंप लगी रहती है. तो इसका फॉर्मेट कुछ ऐसा रहता है, पहले नेम एंड एड्रेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, फिर वो वाउचर नंबर, देन डेट. अब यहाँ पे जैसे डेबिट वाउचर है तो हम इसमें क्रेडिट नहीं केवल डेबिट की चीज़ लिखेंगे. अब डेबिट हम कब लिखते हैं, जब हम कुछ परचेस करते हैं, मतलब कुछ आता है. तो यहाँ पे फर्नीचर आया है तो हम आने वाली चीज़ को डेबिट करेंगे, फिर अमाउंट डाल देंगे, टोटल करके नरेशन लिख देंगे कि बीन फर्नीचर इज परचेस्ड. अब यहाँ पे हमने वाइट कैश मेमो नंबर 4 लिखा है, तो हमने इसके पहले वाले इसमें वाइट बिल नंबर मतलब सोर्स डॉक्यूमेंट का लिखा था. तो यहाँ पे हम सोर्स डॉक्यूमेंट को और स्पेसिफाई करके कैश मेमो भी लिख सकते हैं, और फिर लास्ट में सिग्नेचर ऑफ मैनेजर एंड सिग्नेचर ऑफ अकाउंटेंट.